भागलपुर के नवगछिया स्टेशन पर सवारी गाड़ी से गिरकर एक ग्रामीण चिकित्सक की मौत हो गई। मृतक की पहचान खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत भवनपुरा खरीक गांव निवासी स्वर्गीय धनेश्वर मंडल के पुत्र वकील कुमार मंडल के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि वकील कुमार मंडल नवगछिया बाजार से दवा खरीद कर खरीक जा रहे थे और ट्रेन स्टेशन से खुल जाने के कारण चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में वह गिर गए, जिसके बाद सिर के पीछे चोट लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है, जबकि पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि वकील कुमार मंडल गाँव में ही ग्रामीण चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस करते थे, जबकि उनके परिवार में पत्नी समेत दो पुत्री और एक पुत्र है, जिसका घटना के बाद से बुरा हाल है। मृतक का क्या नाम है? वकील मंडल। घर? घर भवनपुरा खरीक रेलवे से। कैसे, क्या घटना हुआ है? घटना कैसे हुआ है? घटना गाड़ी चढ़ने में गाड़ी खुल गया। कौन सी गाड़ी? ये पैसेंजर सवारी गाड़ी। कहाँ से कहाँ? बरौनी कटिहार से समस्तीपुर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो? एक खंडोगछिया से खरी। कुछ काम करते थे क्या? हाँ, डॉक्टर था ग्रामीण। क्या, क्यों आए थे नवगछिया? दवाई लाने। दवाई मतलब अपने क्लिनिक के लिए दवाई लाने? हाँ, गांव ग्रामीण में डॉक्टर नहीं होता। अच्छा, वही। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 22 के टीकारामपुर गांव में बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा किए लोगों से जेसीबी की मदद से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान सुल्तानगंज अंचलाधिकारी की मौजूदगी में दलबल के साथ पहुंची पुलिस ने जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाया, जबकि बिहार सरकार के रास्ते पर घर बनाए लोगों ने अतिक्रमण हटाने आई टीम पर जमकर पत्थरबाजी भी की, जिससे जेसीबी का शीशा टूट गया। वहीं हंगामा बढ़ता देख अंचलाधिकारी शंभूशरण राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू और थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने अतिक्रमणकारियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इधर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले जमादार मंडल ने बताया कि बिहार सरकार की जमीन पर नाला बनाया गया है, जिस पर गाँव के 50 लोगों ने अतिक्रमण किया है, साथ ही इन सभी को भी वहाँ से हटाने की मांग प्रशासन से की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीओ शंभूशरण राय ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान आक्रोशित लोगों ने पथराव किया, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और बिहार सरकार की जमीन पर कब्जा किए लोगों से प्रशासन द्वारा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी और ग्रामीण मौजूद थे। निवारण के आदेश से सरकारी जमीन रास्ते पे नाले की जमीन है, इसी पे मकान बना हुआ है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश से अतिक्रमण हटाया गया। शांतिपूर्वक सर बताया? हाँ, शांतिपूर्वक। जेसीबी पर पथराव की घटना? अच्छा, जिनका मकान टूटता है तो थोड़ा बहुत आक्रोशित लोग होते हैं, उनको माने नहीं रखता है, बाकी सब कुछ सामान्य है। दिक्कत यह है कि इस नाले पे घर है, मेरा घर तोड़ रहा था, 50 घर है इस नाले पे, सभी का टूटना चाहिए। एक का नहीं? हाँ, एक का नहीं टूटना चाहिए। और आप ही का तोड़ रहा है? हाँ, मेरा ही तोड़ रहा है। क्या नाम है आपका? जमादार मंडल। ओ, आप ही का घर सिर्फ तोड़ रहा है? हाँ, मेरा ही घर और लोगों का नहीं तोड़ रहा है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने 7 दिनों से छात्र राजद का धरना प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को TMBU में स्थायी कुलपति की नियुक्ति और प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे के बर्खास्तगी की मांग को लेकर छात्रों ने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। वहीं छात्र राजद के धरना का समर्थन समाजसेवी विजय यादव और अन्य लोगों ने भी किया है। आंदोलनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कुलाधिपति फागू चौहान की कृपा से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने सरकार से प्रभारी कुलपति को हटाने, विश्वविद्यालय में हुए भ्रष्टाचार और धांधली की जाँच CBI से कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी छात्र हित में किए गए आंदोलन को दबाने का प्रयास
कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। वहीं भैंस के आगे बीन बजाने वाले जुलूस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे का छायाचित्र तीनों भैंस के गले में टांग कर प्रदर्शन किया गया। जुलूस का नेतृत्व कर रहे दिलीप यादव ने कहा कि कुंभकर्णी निंद्रा में सो रहे सूबे के मुखिया और कुलाधिपति को जगाने के लिए आज भागलपुर जुगलबड़ चौक से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, युवा राजद के जिलाध्यक्ष मोहम्मद बसारुल हक, राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष रत्नाकर रत्न और समाजसेवी विजय यादव ने कहा कि कर्मचारियों एवं छात्रों के आंदोलन के बावजूद सरकार द्वारा अब तक किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाना यह प्रदर्शित करता है कि सुनियोजित साजिश के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने का कार्य किया जा रहा है। इधर छात्र राजद के अनिश्चितकालीन तालाबंदी का नैतिक समर्थन छात्र संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष गुलशन चौधरी ने भी किया है। जुलूस में शांतनु राउत, कृष्ण बिहारी गर्ग, आशुतोष यादव, उमर ताज, चंदन यादव, अमरदीप आनंद, अभिनंदन यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। आज हम लोग भैंस का कार्यक्रम रखे थे जिसका मुख्य हेडिंग है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस नहीं पकड़ाए। इसका मतलब वो आज लोग हम लोग सात रोज से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी किए हुए हैं और अभी तक चाहे विश्वविद्यालय का अधिकारी हो, राज्य सरकार हो या राजभवन हो, अभी तक कोई इस पे खोज खबर नहीं लिए हैं क्यों आंदोलन कर रहा है, क्यों तालाबंदी है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और राजभवन को छात्र के भविष्य के साथ उस शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। और कुंभकंद के निंद्रा में सोई हुए जिस तरह से भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस को कोई असर नहीं होता है, उसी तरह से हम लोग जो तालाबंदी किए हैं राज्य सरकार और राजभवन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए अस्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं कर रहा है। बिल्कुल मेरा समर्थन है, मेरे साथ साथ पूरे जनता का समर्थन है। ये आंदोलन बिल्कुल जायज़ आंदोलन है, चूँकि अस्थायी कुलपति चाहिए, कितने छात्रों का भविष्य अंधकार में है ये किसी से छिपा नहीं है, पूरा आप लोग को भी पता है कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स का काम अटका हुआ है सिर्फ कुलपति के कारण हुआ है, अस्थायी कुलपति नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे जो इससे कुछ दिन पहले यहाँ पे देखे होंगे जो कि स्थिति मतलब अतिथि शिक्षकों का भी आंदोलन हुआ था, उसमें भी जो है कुछ आश्वासन दे के उन लोगों का आंदोलन को स्थगित कर दिया, लेकिन उसका भी अभी तक निदान नहीं हुआ है। ये निदान जब तक कुलपति नहीं आता है तब तक नहीं होगा, इसलिए अस्थायी कुलपति यहाँ बहुत ज़रूरी है। यह आंदोलन में आम आदमी को भी भाग लेना चाहिए, प्रत्येक आदमी की ज़रूरत है। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कई माह से नियमित कुलपति नहीं है। इस विद्यालय की विडंबना यह है कि यहाँ प्रभारी कुलपति बनाकर काम चलाया जाता है तो कभी दूसरे जगह के विश्वविद्यालय के कुलपति को यहाँ की देखरेख का जिम्मा दे दिया जाता है। वर्तमान में TMBU को संभालने का दायित्व मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे के पास है, लेकिन वे काफ़ी दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं जिस कारण विश्वविद्यालय का कार्य लगातार प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ छात्र राजद ने स्थायी कुलपति की मांग को लेकर एक सप्ताह से प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर रखा है। इस कारण विश्वविद्यालय का कामकाज
पूरी तरह ठप है। वहीं छात्र संगठन के द्वारा किए गए आंदोलन को लेकर जब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि धरना पर बैठे छात्र संगठन का डिमांड ऐसा है जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर पूरा नहीं किया जा सकता है। प्रतिकुलपति ने बताया कि डिग्रियां बनकर तैयार है लेकिन तालाबंदी के कारण छात्रों को डिग्री नहीं मिल पा रही है। एक सवाल के जवाब में प्रोफेसर रमेश ने कहा कि अस्थाई कुलपति को लेकर छात्रों की मांग सही है लेकिन तालाबंद करना जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन और तालाबंदी के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को 18 जुलाई से होने वाली कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी है। प्रोफेसर रमेश कुमार ने छात्रों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। आप लोग तो खुद जाके देख रहे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी का जो छात्र विंग है उसके द्वारा बंद कराया गया है और उन लोगों का डिमांड वैसा है जो डिमांड को हम लोग मीट नहीं कर सकते हैं। रेगुलर कुलपति की बहाली हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए सही फ्रंट है, राजभवन में आप रिप्रेजेंट कीजिए। अब यहाँ पर छात्रों को कितनी तकलीफ हो रही है, उनका जितना भी था डिग्री वो बन के तैयार होके आ गया है, हम उसको बंटवा नहीं पा रहे हैं। हमारे कई एक परीक्षाएं थी जो 18 तारीख से होने वाली थी वो बंद हो गई है। एक तरफ ये बंद हो गया, जब खुलेगा तो छात्र क्या दूसरा ग्रुप आएगा कि सेशन क्यों लेट है। राज्य सरकार के यहाँ जब मीटिंग थी वाइस चांसलर्स रजिस्ट्रार और कंट्रोलर की, उस मीटिंग में एग्जामिनेशन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था कि आपका आप बताइए कि एग्जामिनेशन का सेशन क्यों लेट है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि पूरे बिहार में हम किसी से पीछे नहीं हैं, बहुत सारे पीछे हैं। हमारा अंडर ग्रेजुएट सेशन रेगुलर है, पोस्ट ग्रेजुएट थोड़ा पीछे है क्योंकि उसमें सेमेस्टर सिस्टम है, एक लेते हैं परीक्षा 6 महीने के बाद फिर दूसरा लेना होता है, बीच में कोरोना आ गया। तो इस सब को लेते हुए हम तो अपील करते हैं इन लोगों से, छात्र हित में ये लोग अपने आंदोलन को ख़त्म करें और उनकी बात राजभवन पहुँच गई होगी, राज्य सरकार को पहुँच गई होगी, वो लोग जरूर सोच रहे हैं। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के सलाटर हाउस निवासी मोहम्मद गयास के पुत्र मोहम्मद आमिर की बदमाशों ने जमकर पिटाई कर गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुरुवार की दोपहर सूजापुर इलाके के किसी लुक्का बॉस नाम के बदमाश ने सीएलसी लेने स्कूल गए छात्र मोहम्मद आमिर को फ़ोन कर नाथनगर स्टेशन रोड स्थित सुखराज राय इंटर स्कूल के बाहर बुलाया, जहां मोहम्मद आमिर के पहुंचने पर बदमाशों ने उस पर हमला कर घायल कर दिया। वहीं घायल युवक का कहना है कि लुक्का नाम के बदमाश ने उसे फ़ोन कर स्कूल के बाहर बुलाया और 4 अज्ञात युवकों के साथ उसकी पिटाई कर दी और बाद में पीछे से गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक ने कहा कि वो लहू लहान और बदहवास अवस्था में जब उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग वहां एकजुट हो गए, लेकिन लुक्खा और उसके साथियों ने जाते जाते अपना नाम लुक्खा गैंग बताते हुए धमकी भी दी। साथ ही मोहम्मद आमिर ने बताया कि बदमाशों ने कहा कि शांति से जीना चाहते हो तो शहर छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए नाथनगर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। इसको लेकर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने कहा कि लिखित शिकायत पर FIR दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही इंस्पेक्टर ने कहा कि जिस नंबर से आमिर को फोन कर बुलाया गया था उसकी भी जांच की जा रही है। पकड़ के इसको ले चलते बीच में चला गया, नशा भी किया है? नहीं भाई, नशा नहीं। कौन मारा? कब किया है यार? रोजगार का कोई लखा उखा है, किसी का बोस का भाई है? लखा का बोस पहले काहे मारा? देखो पहले डॉक्टर का मिल काहे मारा, काहे मारा हमको क्या पता, गाली दिया बोले गाली दिया, गलती नहीं मांगोगे बोले नहीं मांगे, जब मार करना है मार करो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आमिर है। घर कस्बा? पिताजी क्या नाम है? ग्यास। यहाँ क्या करना है? यहाँ स्कूल आए थे। कौन स्कूल? SRI स्कूल। SRI स्कूल यहाँ पर है? नहीं इधर आए। कहाँ आए थे? कौन क्लास में? 12th में। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के धांधी बेलारी पंचायत में मुखिया अनु कुमारी द्वारा पंचायत का विकास के नाम पर वार्ड सदस्य से कई कागजातों पर हस्ताक्षर करा लेने का मामला प्रकाश में आया है।
वहीं इसको लेकर धांधी बिलारी पंचायत वार्ड 4 की वार्ड सदस्य बीना देवी ने बताया कि वार्ड का विकास करने के नाम पर मुखिया अनु कुमारी ने उनसे सादा कागज सहित अन्य 16 कागजातों पर हस्ताक्षर करा लिया है, जबकि अब तक पंचायत का कोई भी काम नहीं हुआ है। बीना देवी ने कहा कि जब इसके बारे में मुखिया अनु कुमारी से जानकारी लेना चाहिए तो उन्होंने विकास कार्य की बात उनके पति गुंजन कुमार से पूछे जाने की बात कही। वहीं वार्ड सदस्य का आरोप है कि मुखिया पति गुंजन कुमार से पूछे जाने पर उसने कहा गया कि वो आपसे 100 जगह हस्ताक्षर करवाएंगे और आपको करना होगा, लेकिन हस्ताक्षर या क्षेत्र के विकास कार्य से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। इसके अलावा मामले को लेकर पंचायत के वार्ड संख्या 1 के सदस्य प्रभात कुमार ने भी मुखिया द्वारा पंचायत में कोई काम सही से नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत और वार्ड में विकास के नाम पर मुखिया सिर्फ कागजात पर हस्ताक्षर करवाती है और अब तक एक बार भी पंचायत में आम सभा एवं ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि पंचायत में मुखिया द्वारा केवल नारा निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस कार्य में भी कई तरह की अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण गांव में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि अब देखना यह है कि वार्ड सदस्य और ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद क्षेत्र के विकास के लिए मुखिया अनु कुमारी क्या कदम उठाती है। किससे दस हजार जोर से बोलिए। हाँ कौन करवाया? मुखिया सोलह क्यों करवाए दस्तखत? वही तो पता नहीं चला, हम कर दिए। पूछे उनसे? हम पूछे उनसे तो बोला कि काम दिया। कौन है वार्ड पर? 4 नंबर वार्ड। हाँ 4 नंबर वार्ड का 4 नंबर वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य आपकी पत्नी है? क्या नाम है? माता जी। क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ? बात किया, बात करके बुला लिया, बुला करके जो है साइन 16 जगह करवा लिया। कौन करवाया साइन? अनु कुमारी मुखिया जी है। हाँ वही करवाया। हाँ और क्या काम? और वही फोन करके बोला कि 16 जगह क्या चीज़ का साइन करवाएं, तो बोला कि हम ब्लॉक में हैं, 10 मिनट में हम बात करते हैं। 10 मिनट के बाद उसका पति आ गया। क्या नाम? गुंजन। क्या करें?